दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिग बॉस 13 में दर्शकों को एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। पहले शो को 5 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद घर में 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। अब घर फिर से 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है। घर में उस समय एक और नया मोड़ आ गया जब पारस छाबड़ा को घर से बेघर होना पड़ा। जी हाँ, पारस घर से बाहर हो गए। पारस के जाने पर सबसे ज्यादा दुख सहनाज को हुआ। सहनाज गिर घर में ही एक तरफ बैठकर रो रही थी। जब आसिम उनसे रोने का कारण पूछते हैं तो वह बताती है पारस बिग बॉस से घर से बाहर हो जाएगा, शायद वह कुछ दिनों के लिए आएगा, मुझे उसकी याद जरूर सताएगी। सहनाज गिल रोते हुए आसिम रियाज से कहती है कि उन्हें पारस छाबड़ा से प्यार है। साथ ही सहनाज आसिम से वादा कर लेती है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। जब पारस घर से बाहर जाने लगते हैं तो सहनाज उन्हें रोते हुए गले लगाती है और आई लव यू कह देती है। दरअसल पारस छापड़ा उनकी उंगली की सर्जरी कराने के लिए घर से बाहर गए थे। चोट लगने की वजह से उन्हें कई दिनों के लिए घर से बाहर भेजा गया है। कल यानी गुरुवार को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में बिग बॉस ने घर वालों को कैप्सिट टास्क दिया था। इसमें पारस चालक की भूमिका निभाते हैं। संचालक बनने के बाद पारस अपनी मनमानी करते नजर आए। वो टास्क में अपने पक्षपात करते रहते हैं। अपनी टीम को जिताने के लिए पारस ने कुछ ऐसी चीजें की जिससे वो आपस में भिड़ गए। पारस की मनमानी के कारण ही इस टास्क को रद्द कर दिया गया है।